देश के सच्चे मुद्दों और सच्ची खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। इसके खिलाफ अपील होनी चाहिए, जो ऑर्डर आया है आज का फौरन इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं टाइटल नहीं है वहां पर ऐसा करने की इजाजत दी जाए, अरे भाई कैसा होगा ये। अच्छा और आप इस बात को समझिए कि ये जो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने जो बड़ी मंदिर का इनॉग्रेशन किया था ना अभी साल डेढ़ साल पहले, आप तमाम जिम्मेदार हैं। माने जितने यहां पर जर्नलिस्ट बैठे हैं जो जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था उन आप तमाम पता के देखिए ये जजमेंट जो बाबरी मस्जिद का आया है अब और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी क्योंकि फेथ के ऊपर जजमेंट दिया गया था। अब 91 का एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद जजमेंट में कहा कि भाई जो माजी में जो कुछ हुआ उसको हम खोलेंगे नहीं, 15 अगस्त 1947 को जो था वही रहेगा। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं 15 अगस्त से पहले हम हैं, तो आप देखते जाएंगे कि एक के बाद एक अब केसेस पढ़ते जाएंगे। ठीक है अभी तो ये 7/11 का ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो 20 मई का ऑर्डर है उन्होंने 8 हफ्ते का उसमें फ्रीज लगाया है। अपील होनी चाहिए, अपील हो जरूर होगी, और मगर ये इसके आप मैं तो एक काशी मंदिर का उसमें आपने मुसलमानों से प्लॉट एक्सचेंज किया, आपने एक प्लॉट लिया मुसलमानों से और आपने एक प्लॉट दिया है और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसके, फिर 91 का एक्ट है। मैंने पहले ही इस बात का अप्रिहेंशन का इजहार किया था कि 91 का एक्ट जरूर है, मगर अगर सबको ये अपील लेगा कि भाई 15 अगस्त से पहले कुछ था तो फिर 91 का एक्ट क्या है? फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या बाबरी मस्जिद के जजमेंट में नहीं कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा होगा? फिर ये कोर्ट का ऑर्डर कैसे आता है बताइए हमको। कोर्ट को तो चाहिए कि इन चीजों को इनिशियल स्टेज में रोक लगानी चाहिए, अभी कुछ हुआ नहीं है, फ्रीज है उसमें, अपील होगी, मगर हम ये कह रहे हैं कि आप तो दरवाजा खोल दिया। जिस बात का मुझे डर था अब उस चीजें हो रही है सामने हमारे। तो 91 का क्या बोलता है 15 अगस्त 1947 को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने इबादत गाहें हैं उसका नेचर चेंज नहीं होगा, वो कहता ही नहीं कहता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 1883-84 का खसरा रिकॉर्ड, बाबरी मस्जिद कैसे नहीं नहीं बाबरी मस्जिद शुरू कैसे हुआ, आपने रात के अंधेरे में जाकर वहां पर मूर्तियां रखकर आपने उसको सील कर दिया और फिर आपने बगैर मुसलमान को पूछे वहां पर आपने पूजा शुरू कर दी। फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री जब थे आपने बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने आपने ताले खोल दिए। सुप्रीम कोर्ट को आपने वादा किया कि बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, 6 दिसंबर को आपने मस्जिद को शहीद कर दिया। अगर मस्जिद शहीद नहीं होती बाबरी मस्जिद की तो कोर्ट का ऑर्डर क्या आता? ठीक है कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही सिविल टाइटल सूट जजमेंट में कहा कि 91 का एक्ट भारत के बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का हिस्सा है, तो फिर लोअर कोर्ट को तो सुनना चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। बिल्कुल सेटबैक है ये, हर कोई जाकर ये बोलेगा कि 15 अगस्त से पहले था 47 से पहले ये होता था, कहां खत्म होगा भाई ये? फिर ये कहां खत्म होगा बताइए? हमने 91 का एक्ट क्यों बनाया था? बनाने का मकसद क्या था कि इस तरह के ये जो चीजें हो रही हैं उसका खात्मा हो जाए।